तो रिसेंटली बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक नोटिफिकेशन जारी किए हैं, जहां पर उन्होंने ये वाला नोटिफिकेशन जारी करके बताए है दैट कुछ बार काउंसिल से जिनके ऊपर रोक लगाया गया है जो सारे लॉ ग्रेजुएट से उनको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस इशू करने से और स्पेसिफिकली नोटिफिकेशन में क्या बताया गया है कहाँ से ये सारा चीज सामने आया जानेंगे इस वीडियो में सो हेलो दिस इज एडवोकेट पापिया स्वागत करती आप सभी का हमारे चैनल दी लॉ में तो फर्स्ट बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने स्टेट बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को स्टेट बार काउंसिल उत्तर प्रदेश के साथ ही साथ कुछ और स्टेट बार काउंसिल्स है उनको एक नोटिफिकेशन जारी करके एक मतलब इंटीमेशन जारी किया गया है जो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मतलब स्टेट एनरोलमेंट एक लॉ ग्रेजुएट को इशू किया जाता है वो इशू ना करने से और वहां पर बताया जा रहा है दैट ग्रेजुएट yeah. से उनका जो सर्टिफिकेट है मतलब कौन सा यूनिवर्सिटी से वो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट की है मतलब उनका जो डिग्री है उनका ऑथेंटिसिटी क्या है जेन्युननेस क्या है और जो यूनिवर्सिटी से वो अपना डिग्री हासिल की है वो एक बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है या फिर नहीं है ये सारे फैक्टर्स चेक करके वेरीफाई नहीं करके जो सारे स्टेट बार काउंसिल डायरेक्टली सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस इशू कर दे रहे हैं उनके ऊपर ये रोक लगाया गया है मतलब एक स्टे ऑर्डर पास किया गया है यहाँ पर क्लियरली बताया गया है दैट जो सारे स्टेट बार काउंसिल्स एंड स्पेशली डायरेक्शन दिया गया है स्टेट बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को अभी देखते हैं नोटिफिकेशन पर क्या कहा जा रहा है जो मेन पार्ट है दैट इट अपियर्स दैट विदाउट कंसिडरिंग ऑल दिज एस्पेक्ट ऑफ द मैटर द स्टेट बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश है the process of verification hurriedly and it has also come to the notice of this council that without verifying the genuineness सेस ऑल द स्टेट बार काउंसिल्स इंक्लूडिंग स्टेट बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश आर रिक्वेस्टेड एंड डायरेक्टेड नॉट टू प्रोवाइड विदेस ऑफ देशन टील फर्दर ऑर्डर मतलब जो सारे स्टेट बार काउंसिल जो लॉ ग्रेजुएट्स है उनका सर्टिफिकेट उनके जो डिग्री है उसको वेरीफाई नहीं करके डायरेक्टली सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस एनरोलमेंट इश्यू कर दे रहे हैं उनके ऊपर एक रोक लगाया गया है जो सारे बार काउंसिल्स इसको वेरीफाई नहीं करके दे रहे हैं उनके ऊपर ठीक है बट इसी के साथ ही साथ आप यहाँ पर लाइन देख सकते हो जो सारे स्टेट बार काउंसिल्स सारा का सारा चीज वेरीफाई करके मतलब एकदम क्रॉस चेक करके सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस इशू करते हैं उनके लिए लिए मतलब ये प्रोसेस कंटिन्यू करने के बोला गया है जब तक बार काउंसिल ऑफ इंडिया कोई फर्दर नोटिफिकेशन इशू नहीं कर दे थे तब तक ठीक है और ये जो नोटिफिकेशन बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किया गया है मैं वीडियो के एकदम लास्ट में दे दूंगी आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो बट उससे भी पहले एक और क्वेश्चन यहाँ पर आएगा ये का सारा मैटर कहां से आया इसका ओरिजिन क्या है तो ये जो केस आप यहाँ पर देख सकते हो अजिंदर संगौन वर्सेज बार काउंसिल ऑफ दिल्ली एंड अदर्स ये जो पर्टिकुलर केस है और इसका जो नंबर है दैट वन टी सिविल ये जो मैटर है यहाँ से ये पूरा का पूरा मैटर उठ करके आया और ये जो पर्टिकुलर मैटर है ये सुप्रीम कोर्ट में अभी पेंडिंग है इसका सुनवाई अब तक मतलब चल रहा है इसके ऊपर कोई भी फाइनल जजमेंट नहीं आया है ये केस में ये बताया जा रहा है दैट कुछ अमेंडमेंट्स करने का बहुत ही जरूरत है और ये सारे अमेंडमेंट्स तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक सुप्रीम कोर्ट कोई भी परमिशन नहीं देते या फिर कोई फाइनल ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के तरफ से नहीं आ जाता है। तो इसीलिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ये नोटिफिकेशन या फिर डायरेक्शन इश्यू की है जो सारे स्टेट बार काउंसिल्स विदाउट डूइंग एनी काइंड ऑफ वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस इशू कर रहे हैं जो ग्रेजुएट्स हैं उनको दे रहे हैं इनरोलमेंट ठीक है एंड वंस द परमिशन इज ग्रांटेड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड अमेंडमेंट्स आर मेड अब तक वो सारे स्टेट बार काउंसिल्स को डायरेक्शन दिया जा रहा है दैट जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है अंडर द रूल्स ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया उसके तहत कंडक्ट किया जाए ठीक है और अभी ये रहा नोटिस आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए वेरीफाई कर लीजिए